हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है दोपहर के 12 बज गए हैं और आज का दिन है संडे। तो सुबह का खाना वाना मेरा बन गया था, उसके बाद जो है ना मैंने किचन की सफाई कर ली थी। तो आज जो है ना काउंटर साफ कर लिया मैंने पूरा, मतलब पूरा धोकर साफ किया है और आधी में से टाइल्स भी धुली है, चीज़ें सारी हटा ली थी, ओन वगैरह हटा लिया था और ओन के नीचे का स्टैंड वगैरह सभी कुछ आज साफ कर लिया। काउंटर पूरा चकाचक हो गया है आज मेरा। और देखिए अभी जो है ना मुझे बच्चों के लिए पिज़्ज़ा बनाना है, बच्चों की फरमाइश है पिज़्ज़ा की, तो पिज़्ज़ा बनाती हूँ बच्चों के लिए। चलिए तो पिज़्ज़ा के लिए सामान मंगवा लिया है सारा, कुछ एक दो चीज़ें ही घर में थी, बाकी सब मंगवानी पड़ी मुझे। तो देखिए यहाँ पर मैंने मेयोनेज मंगवा लिया है, पिज़्ज़ा सॉस मंगवा लिया है, चीज़ मंगवा लिया, शिमला मिर्च, चिली फ्लेक्स और ईस्ट मंगवा लिया है, दही नहीं, क्या बोलते, मैदा मंगवा लिया है, एक पैकेट मैदा था घर में, एक पैकेट मंगवा लिया। तो देखिए सारा सामान मैंने थैले में से निकाल लिया है, उसके बाद थैले को जो है ना रबर लगा के रख दिया है, अब उसको एक ड्रॉअर में डाल दूंगी। तो किचन में क्या होता है ना, थैले का ही ज़्यादा मैस फैलता है, तो थैले को अच्छे से रख देंगे ना रबर वगैरह लगा के, तो फिर थैले का मैस किचन में नहीं फैलेगा। तो चलिए अब पिज़्ज़ा का आटा लगा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा का आटा लगाने के लिए देखिए पानी को यहाँ पर गुनगुना कर लिया है मैंने, ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस गुनगुना करना है। उसके बाद उसमें आधी चम्मच मैदा डाल दिया है, मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद इसमें फिर मैं 2 चम्मच ईस्ट डालूँगी, ईस्ट और शक्कर डालूँगी, 1 चम्मच शक्कर डालूँगी, 2 चम्मच ईस्ट डालूँगी। ईस्ट को एक्टिव करने के लिए शक्कर डालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ईस्ट मिक्स कर दिया है, उसके बाद मैं शक्कर डाल दूँगी इसमें। और ये जो ईस्ट का पैकेट है ना मैंने नया मंगवाया था, पुराना घर में था, लेकिन पुराना ईस्ट होता है ना तो उससे मैदा फूलता नहीं है ठीक से, मतलब जो पुराना ईस्ट होता है ना तो वो एक्टिव होता ही नहीं है, अगर ईस्ट एक्टिव नहीं होगा तो फिर मैदा भी नहीं फूलेगा। तो जब भी पिज़्ज़ा बनाना है ना तो ईस्ट जो है ना नया यूज़ करें, पुराना ईस्ट यूज़ नहीं करना है, कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब कुछ चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली है, इसको भी मैं छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। अच्छा ईस्ट होगा तो 5-6 मिनट में ही एक्टिव हो जाएगा, अगर अच्छा नहीं होगा, थोड़ा पुराना होगा तो 15 मिनट लग जाएंगे। तो जब तक ईस्ट एक्टिव होता है तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये शिमला मिर्च है इनको धो के रख लिया है। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने ईस्ट एक्टिव करने के लिए रखा था ना तो ये बिल्कुल एक्टिव हुआ नहीं, 15-20 मिनट हो गए हैं। तो मैंने ना घर का ईस्ट एक्टिव करने के लिए रख दिया था, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो गया है, लेकिन फिर भी जैसा होना चाहिए ना वैसा तो हुआ नहीं, देखते हैं थोड़ी देर के लिए और मतलब थोड़ा सा और वेट करके देखती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए जो घर का ईस्ट था ना तो वही अच्छे से एक्टिव हो गया था, तो उसी से मैं पिज़्ज़ा का डो बना लेती हूँ। तो देखिए मैदे में ईस्ट डाल दिया है, नमक डाल दिया थोड़ा सा, और अभी आटा थोड़ा सा ना ढीला ढीला आटा लगा लेते हैं, एकदम टाइट डो नहीं बनाना, ढीला ढीला ही बनाना है। और यहाँ पर ना मैं अच्छे से उसको गूंथती जा रही हूँ, मतलब उसको पटक पटक के गूंदना है अच्छे से, लगभग इस आटे को ना 10 मिनट के लिए गूंदना है। और इसमें मैं ना बीच बीच में तेल डालती जा रही हूँ, तो कम से कम इसमें मैंने आधी कटोरी के करीब तेल लगा दिया है। तेल डालती जा रही थी और गूंथती जा रही थी, आटा बिल्कुल ढीला होना चाहिए, बिल्कुल टाइट नहीं होना चाहिए। तो तेल डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा जो पिज़्ज़ा होता है ना तो वो सूखा सूखा नहीं लगता, मॉइस्चर बना रहता है उसमें। तो देखिए यहाँ पर मैंने लगभग 10 मिनट तक के लिए आटे को अच्छे से गूंदा है, ये सबसे मेहनत वाला काम होता है पिज़्ज़ा के लिए। तो आप ये आटा गूंद लिया है अच्छे से मैंने, और एक दूसरे बर्तन को तेल लगा लिया है, उसमें इस तरीके से ना मैं आटे को रख देती हूँ। और ये जो आटा है ना फूल कर डबल हो जाना चाहिए, तभी हमारा जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो अच्छा बनेगा जैसा बनना चाहिए। तो देखिए इस तरीके से आटे को मैंने फिर से ऊपर से तेल लगा दिया है, अब इसको ढककर रख दूंगी, इसमें एयर जो है ना जाने नहीं चाहिए, तो पैक ढक के रख दूंगी मैं थाली से, और इसको बीच में खोलकर भी देखना नहीं है, आधे घंटे के बाद मैं खोल के देखूंगी इसको। इस डो को फूलने में लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है, मैं आधे घंटे के बाद खोल के देखूंगी कि क्या पोजीशन है उसकी, अच्छे से फूल रहा है या नहीं, तब तक ना अपनी किचन समेट लेते हैं। तो पहले ओवन की जगह पर ओवन को रख देते हैं, और वैसे ना मैं पिज़्ज़ा जो है ना ओवन में नहीं बनाने वाली हूँ, इसमें ना पिज़्ज़ा का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा है, पहले अच्छे से बन जाते थे लेकिन अभी मतलब थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्या हो गया, कुछ बिगड़ गया अंदर पता नहीं, लेकिन जो ये है ना पिज़्ज़ा बिल्कुल जैसे फूलते हैं ना वैसे फूल नहीं रहे इसमें। तो मैंने कढ़ाई में ट्राई किया था तो फिर कढ़ाई में अच्छे बन रहे थे ओवन से अच्छे, तो फिर आज भी मैं कढ़ाई में ही बनाऊंगी, और कढ़ाई में भी ना बिल्कुल बाहर जैसा पिज़्ज़ा बन जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि इसमें किसी चीज़ की कमी है या इसमें इसको ओवन में बनाना चाहिए था, कढ़ाई में बिल्कुल बाहर जैसा टेस्ट आता है, बाहर जैसे बनते हैं, थोड़ा भी उसमें ना कमी नहीं रहती कुछ भी। तो यहाँ पर देखिए अपनी किचन को समेट लिया है मैंने, अब पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने ना प्याज और शिमला मिर्च आदर्श को दे दी थी कट करने के लिए, ये शिमला मिर्च में कि मैं बीज निकाल ले रही हूँ, डंठल और बीज, और फिर आदर्श कट करके दे देगा मुझे, 2-3 तरीके से कट करता है और रिंग्स कट करता है, अलग अलग चीज़ें कट करता है। और टमाटर जो है ना खुशी को बोल दूंगी, जब ऐसे कोई एक्स्ट्रा के काम निकल जाते हैं ना तो बच्चों से मैं हेल्प ले लेती हूँ, तो फिर ऐसे काम ना थोड़े आसान हो जाते हैं। तो देखिए आदर्श ने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च कट करके दे दी है अलग अलग तरीक़ों से, और टमाटर जो है ना अब खुशी कट कर रही है। और तब तक देखिए आटा भी अच्छे से फूल गया है, पहले मैंने ना दूसरे पतीले में रखा था लेकिन बाद में मुझे लगा कि इसमें फूलेगा नहीं ठीक से, तो फिर मैंने इस कटोरे में रख दिया है। तो देखिए इतना अच्छे से फूल गया है ना आटा, इसके पिज़्ज़ा एकदम बेस्ट बनते हैं। अभी ना मैं इस आटे को एक पंच मारूंगी,
तो इसमें की सारी एयर निकल जाएगी। और उसको फिर मैं दूसरे प्लेट में लूँगी और उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदूंगी। तो फ्रेंड देखिए, आटा अच्छे से गूंद लिया था मैंने 5 मिनट के लिए, और उसके बाद देखिए एक उसकी लोई तोड़ ली है इस तरीके से ना, एक बेस बना लिया है। थोड़ा मोटा रखेंगे ना तो फिर ज़्यादा पकाना पड़ेगा, और मैंने अभी जितना लिया है ना तो उसको 15 मिनट लगेंगे खाली। ये मेरा बर्तन भी छोटा है ना, तो इस वजह से फिर मैंने छोटी लोई ली थी और थोड़ा पतला ही बनाया है। थोड़ा बड़ा बर्तन होता है ना तो फिर बड़ा बना सकते हैं, मेरे पास यही बर्तन है बनाने के लिए, तो मैं इसी में छोटे छोटे बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मेयोनेज और पिज़्ज़ा सॉस जो है ना मिक्स कर लिया है कटोरी में मैंने, और पिज़्ज़ा बेस पर उसको फैला दूंगी मैं अच्छे से। और उसके बाद डालूंगी चीज़, चीज़ पहले थोड़ा सा डालूंगी, उसके बाद सब्जियाँ डालूंगी और उसके बाद फिर से चीज़ डालूंगी। तो देखिए इस तरीके से प्याज शिमला मिर्च टमाटर वगैरह डालती जा रही हूँ। और ये जो बर्तन है ना मेरा, ये ढोकला बनाने का बर्तन है। थोड़े दिन मतलब थोड़े साल पहले मैंने इडली पात्र लिया था, तो उसमें ढोकला बनाने का और इडली के साँचे ना दोनों साथ में आए थे, तो इसमें ना पिज़्ज़ा अच्छा बन जाता है। स्टील के प्लेट वगैरह रखते हैं ना तो उसमें हीट उतनी अच्छे से लगती नहीं है, तो इसी में बनाती हूँ ना मैं, तो अच्छे से बन जाते हैं। एल्यूमिनियम का है ना, तो एल्यूमिनियम में हीट जो है ना सभी तरफ अच्छे से लगती है। तो ये देखिए ये पिज़्ज़ा मैंने पहले ही रख दिया था ना, तो ये देखिए अच्छे से बन गया है। 15 मिनट लगते हैं आराम से, स्लो फ्लेम पर 15 मिनट लगे मुझे इसको, तो आराम से अच्छे से बन गया है ये। अब ये ना दूसरा रख देते हैं। और इस तरीके से देखिए मैंने नमक डाल दिया था कढ़ाई में, उसके बाद स्टैंड रख दिया, उसके बाद पिज़्ज़ा की प्लेट रख दी, थाली झाँक दी ऊपर से, और थोड़ा सा ना वजनदार चीज़ रख दी उस पर, तो हीट बाहर नहीं निकलती फिर। तो देखिए ये पिज़्ज़ा जो है ना ऋषभ का पिज़्ज़ा है, इसमें मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह नहीं डाले हैं और ओरिगैनो भी नहीं डाला है। ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स दोनों ऋषभ को पसंद नहीं है, तो वैसे ही बना दिया उसके लिए। बाकी दोनों बच्चों के लिए मैं ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स डाल के बनाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बाहर जैसा पिज़्ज़ा जो है ना कढ़ाई में बन के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड अभी ये जो टाइम है ना ये शाम का टाइम है, अभी मतलब शाम का क्या, रात का टाइम है। अभी यहाँ पर 8:30 बज गए हैं रात के, और यहाँ पर बच्चों को चॉकलेट मिल्क शेक बना दिया है, तो तीनों बच्चों ने ले लिया है दूध। और यहाँ देखिए मूंग भिगा दिए है और मटकी भिगा दी है, और ये जो टमाटर है ना थोड़े से थे धोने के तो धो के रख लिए हैं। ये दोनों चीज़ें ना भिगाने की याद ही नहीं रह रही थी मुझे, मूंग भी और मटकी भी, तो मैंने सोचा साथ में भिगा देती हूँ। तो मूंग जो है सुबह काम आ जाएंगे और मटकी परसों काम आ जाएगी। और अभी ये लास्ट काम रात के बर्तन धो ले रही हूँ थोड़े से ये। आज ना पूरा दिन मेरा पिज्ज़ा बनाने में गया है, बच्चों ने आज पूरा दिन पिज्ज़ा खाए है, और रात मतलब शाम तक पिज़्ज़ा खाए, तो रात में खाना किसी ने खाया नहीं, खाली दूध पी लिया था। और पतिदेव के लिए मैंने बरबटी की सब्जी और रोटी बना दी थी, वो तो पिज़्ज़ा का एक कौर भी नहीं खाते हैं। तो चलिए बर्तन भी हो गए हैं यहाँ पर, और सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ, साथ के साथ किचन भी साफ़ हो गया है पूरा। तो फ्रेंड वीडियो को ये रुक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।